हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपने हेड मिस्टर मिस्ट्रेस प्रिंसिपल या बीपीओ के फॉर्म फिल किए हैं और उसको आपको पता है कि जो उसके एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होते हैं आफ्टर पेइंग योर फीस, और जो आपकी फ़ीस कंफर्म हो जाती है, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वेबसाइट पर जनरेट हो जाते हैं, उसको आपने ई पंजाब की वेबसाइट में अपलोड करना है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के यूज़र्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर उसमें तो लेकिन फ़ाइनल सबमिट है ही नहीं, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, क्या वो सबमिट होगा या नहीं होगा, कि वहाँ पर जो फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन है वो क्यों नहीं है। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले PPSC की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर अपना लॉगिन करेंगे बाय फिलिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होगा उसका एक साइज़ सेट करेंगे। साइज़ आपका 250 से अब नहीं होना चाहिए, 250 तक या 250 से बिलो KB का होना चाहिए। उसके बाद आपने फॉर्म पे साइन करने हैं। साइन करने के बाद आप जाएंगे ई पंजाब की वेबसाइट में, यहाँ पर लॉगिन बनाएं, स्टाफ लॉगिन करेंगे, यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करेंगे, आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और गो कर देंगे। गो करने के बाद आपका जो स्टाफ लॉगिन है वो हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई पर जाके अपलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले एक सबमिट का बटन था, तो सबमिट के बटन से क्या होता था, फॉर एग्जांपल जैसे ये वैकेंसी फिल की है, तो जब फॉर एग्जांपल यूज़र ने एक यहाँ वैकेंसी फिल कर दी लाइक BPO की, तो जब उसने फाइनल सबमिट किया तो यहाँ पर अगर वो दूसरी वैकेंसी के लिए फिलिंग करता और दूसरी वैकेंसी यहाँ पर अपलोड करता उसका फॉर्म, तो यहाँ पर उसका सबमिट ना नहीं होता। तो उसके रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने जो सबमिट का ऑप्शन है, फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ से रिमूव कर दिया। बिकॉज हो सकता है कैंडिडेट एक एग्ज़ाम फिल करे BPO का, हो सकता है वो दूसरा भी फिल कर दे प्रिंसिपल का, और हो सकता है वो तीसरा भी फिल कर दे हेड मास्टर या हेड मिस्टर्स का। तो इसलिए उन्होंने यहाँ से फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन है, बटन है, वो रिमूव कर दिया। अगर आपसे गलती से भी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर कोई अपलोड हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसको डिलीट करके फिर से उसको नया अपलोड कर सकते हैं। सो इसलिए उन्होंने ये यहाँ से जो बटन था फाइनल सबमिट का रिमूव किया, सो डैट अगर कोई वन पर्सन मोर देन वन पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसके जो यहाँ पर पोस्ट अप्लाई उसने किया है उसके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर अपलोड कर सके। सो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अगर यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो डैट इन फ्यूचर जो भी ऐसे आपके डाउट्स हैं या ऑनलाइन क्यूरीज है उसका सोल्यूशन आपको टाइमली मिल सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्युएबल टाइम।